आपकी कहानी में मुझे जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लगा था वो ये कि आपके और आपके हस्बैंड साथ नहीं थे एक टाइम right. ऐसा आया था जब अलहड़की हो गई थी लेकिन आप अपने इन लॉस के साथ ही रह रही थी तो अगर आप माइंड नहीं करें बात करना इफ कंफर्टेबल प्लीज शेयर इट सो दैट बहुत सी फैमिली जो इस वक्त बिल्कुल ससुराल है और उनके कपल्स में होती हैं चीज़ें फेस कर रही हैं एक्चुअली आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट इट क्योंकि ये दो तरह से अच्छा है okay. एक तो ये कि अगर मैं ये बोल बताती हूँ hmm. उससे जो लड़कियाँ हैं बच्चियाँ हैं उन्हें भी कुछ सबक hmm. मिलता है दूसरा मेरा भी एक कथासिस होता है मतलब बता के hmm. ना दिल hmm. हल्का हो जाता है hmm. तो अगर इफ़ यू कीप एवरीथिंग इन तो वो इंसान के लिए थोड़ा हालाँकि मुझे लोगों ने उस वक्त बहुत ये बात कही कि इन पर तो कोई असर ही नहीं है ये तो बिल्कुल मतलब लेकिन वो असर इसलिए नहीं था कि मेरे बच्चे हैं दो माशाला तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं हर वक्त उसको अपने ऊपर तारी करूं, बच्चों को भी परेशान करूं, वो मुझे देखेंगे तो वो भी जाहिर है वो होंगे तो मैंने अपना एक थ्रू आउट लाइटर मूड रखा हुआ था चाहे अंदर जो भी फील हो जाओ मगर मैं बच्चों पे तो बिल्कुल भी नहीं जाहिर बल्कि मजाक मजाक में हम डाला करते थे चीज़ों को कि हाँ वो खातून नज़र आई थी फला हुआ ये वो इस तरह तो आप बहुत बहादुर हैं अगर आप ये बोल रही होती थी तो भाई मुझे मैं आपको बताऊँ मुझे औरत बहादुर अच्छी लगती है मुझे औरत आ, रोती भी नहीं अच्छी लगती हुँ, हुँ। एक सबसे पहली बात आप क्यों रोएं जब आपका खुदा है मौजूद आप यकीन करें मुझे थ्रू आउट ये जो किस्सा चला कोई दो तीन साल लगे फिर उन्होंने फाइनली उनसे शादी करके और मुझे ज़बरदस्ती डाइवोर्स भी दे दी मैंने मना किया था मैंने कहा बच्चों की वजह से बेटी बड़ी हो रही है आप रहने दें मतलब यू डू वॉट यू लाइक इस घर को ऐसे रहने दें बट देट अदर लेडी मेड श्योर के नहीं ख़त्म करो okay. खैर वो हो गया फिर मुझे यही अच्छा एक बात तो मैं इसलिए रोना इसमें मुनासिब नहीं समझती थी कि एक शख्स आपको चाय नहीं रहा है छोड़ रहा है तो उसमें हम रोएं क्यों भाई रोना तो वहां बनता है अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाता और वो छिन जाते वैसे तो ठीक है उधर सदमा हो इसमें भी होता है मेरा घर मेरी सबसे बड़ी वो ख्वाहिश जो थी वो ये थी मेरा घर ना टूटे मेरे बच्चों पे उसका वो ना हो हाँ बस ये बाप हैं रहें बाप इसी तरह और मैं ठीक है आई वॉज रेडी नहीं ताल्लुक रखना ना रखें लेकिन आ, वो जब डायवोस वगैरह हो गई अच्छा इन लॉज़ का जो हम बात कर रहे थे कि उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया हर तरह से दे वॉज़ अ टाइम उन्होंने कहा कि मैं अपनी अम्मी से कहो कि वो जाएँ मैं उसको लेके इस घर में आऊँगा मेरे बाप का घर है अच्छा तो मेरे इन लॉज में मेरी सास खलिया सास हैं और मेरे जेठ हैं जेठानी हैं इन लोगों ने कहा कि नहीं ना यहाँ से कोई जाएगा ना यहाँ कोई आएगा क्योंकि हम इसको ब्याह कर लाए थे और इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं तो यहाँ आने जाने वाला सीन नहीं हो रहा अब वो ज़ाहिर फैमिली घर था तो वो कुछ कर नहीं सके ज़्यादा और इस तरह से फिर उन लोगों ने मुझे इमोशनली भी बहुत बड़ी बात थी कि अगर थी। उनके रिश्तेदार उनके घर वाले मेरे साथ दे रहे हैं तो एटलीस्ट मेरा दुनिया में एक इमेज भी ये हो गया कि नहीं भाई अगर कोई ये गलत होती तो ससुराल वाले तो साथ ना देते

अच्छा फाइनेंशियल अलबत् इतफ़ाक़ से मैं शौक़ में ये काम शुरू कर चुकी थी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस तरह की हेल्प या सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ये अल्लाह की तरफ से एक वो था कि वो उन्हीं दिनों में काम शुरू हुआ और फिर होता रहा शुरू में अलबत् काम मैंने कम किया क्योंकि बच्चे छोटे थे तो जाहिर है उन्हें ज़रूरत होती है और जब तक हस्बैंड साथ थे उन्होंने भी मुझसे ये कहा था आपको शौक़ है तो आप करें ही was एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड पर्सन वो ठीक अच्छे इंसान थे बस हो जाती हैं सिचुएशन बदल जाती हैं बस अल्लाह ने कुछ किस्मत में हाँ है लिखा होता बस है। होता है एक अपनी हाँ। हरेक की चलती है ज़िंदगी तो वो आ, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ज़रूर करें अगर आपको शौक़ है एंड अगेन मेरी सास वग़ैरह ने बहुत इंक्रेज किया कि अगर तुम्हें शौक़ है तो करो कभी मुझसे आज तक ये नहीं पूछा मेरे ससुराल वालों ने इतनी रात को आती हो कहाँ से आ रही हो भैया कोई वक्त है तुम्हारा उन्हें पता था कि भाई रिकॉर्डिंग्स होती हैं इस तरह से चीज़ें होती हैं तो कभी शक नहीं कुछ नहीं तो इन्होंने ये कहा था कि बस घर नेग्लेक्ट ना हो हाँ। काम करें आप लेकिन घर ये ना हो कि बिल्कुल ही अच्छा वो पॉसिबल नहीं था हमारे यहाँ तो दो दो बजे रात तक अपने किसी ना किसी बहाने अब आप जैसे मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई मैं दस से ऊपर काम नहीं करूँगी मेरी हेल्थ भी और जनरली मतलब अब एक हद हो गई है तो हाँ पा हाँ हम तो दस बजे पैकअप कर देते हैं हमने तो दस से ऊपर सवाल नहीं और हर दूसरे दिन ग्यारह बारह तो आम शाम बात है वरना इवेंट्स वगैरह पे दो भी बच जाते हैं तीन भी बच जाते हैं मैंने सोचा कि नहीं फिर उस जमाने में मैंने कम किया काम किया था आपने। थोड़ा बहुत किया फिर ज़रा ब्रेक लिया तो फिर जब बेटी की शादी हो गई मेरी उसके बाद फिर आई फुली गॉट इन्वॉल्व कि चलो अब बेटा बाहर था उसकी शादी हो गई तो मैंने कहा बस फिर तो जो लड़कियाँ इसी प्रोसेस से गुजर रही हैं सोच रही हैं या इस नहज पे खड़ी हुई हैं उनको आप क्या क्या नसीहत करेंगी क्या वो आई नो कि कोर्स आपकी एक

तो बहुत सी और लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो ससुराल की सपोर्ट बिल्कुल तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि क्या करना चाहिए कैसे कोप करें मुझे ये लगता है जो मैं अपनी बेटी को भी हुँ। समझाती हूँ अपने बेटे को भी बल्कि कि अपने आप को मजबूत बनाओ ओके। ये जिंदगी जो है ये एक आजमाइश है और हमारे इख्तियार में नहीं है जो अब ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई मैं उससे शायद दो महीने पहले भी नहीं सोच सकती थी बल्कि मैं आपको बताऊं कि अजीब सा जुमला मैंने एक दफा दिल में मेरे बेटा आया हुआ था छुट्टियों पे और हम चारों एक बेड पे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं तस्वीरें खींच रहे हैं वी वर हैप्पी वेरी हैप्पी फैमिली हमारा उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात नहीं थी इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी शादी जैसे होती है तो उस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह मियाँ मैं तुझसे मांगू भी तो क्या मांगू सब कुछ तो है मेरे पास या। और आप सोचें कि महीने भी नहीं कहूंगी हफ्तों में एकदम से सिचुएशन बदलनी शुरू अचानक उन्हें कोई खातून मिल गई और बस वो तो मैं ये कहती हूँ लड़कियों से कि सबसे पहले अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ लड़कियां नहीं लड़के भी एक के लिए होता है जाहिर है दे ऑल्सो गो थ्रू अब जैसे अगर बाप चला गया तो बेटे पे भी असर होता है मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि भाई मजबूत बनो हमारे आगे अचानक से कोई टेस्ट आ जाता है हमें नहीं पता होता हम प्रिपेयर नहीं होते लेकिन अगर आप अपने आप को गिरा दोगे ना तो आपको फिर उठाने वाला कोई, कोई नहीं, नहीं, है। नहीं है। कोई, कोई आपके करीब आके दो दिन सुन लेगा सही बात है ना आपकी कोई हेल्प करेगा फाइनेंशियली भी फिर अक्सर लड़कियों को बेचारियों को ख़ुद ही संभलना पड़ता है तो ये मेरा ख़्याल है कि लड़कियों को दो तीन चीज़ें एक तो देखें ससुराल में भी बहुत अच्छे लोग होंगे लेकिन जब तक आप नहीं गिव इन करेंगे अगर आप बुरी तरह से शुरू से अपना रवैया रखेंगे तो फिर उन्हें क्या दिलचस्पी है भाई नहीं। नहीं। तो मैं समझती हूँ कि ज्वाइंट फैमिली आप सोचे अभी चालीस साल माशाल्लाह हो गए और अभी तक आप अभी तक अभी तक विद माशाल्लाह तो, तो बस... बीच में कभी दोबारा दूसरी शादी का नहीं सोचा